हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आपका मेरा मेरे आरती पचीरवाल ऑफिशियल के चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ कंट्री साइड। एक्चुअली हम लोग कंट्री साइड जा रहे हैं, और लॉकडाउन खुलने के बाद पहली बार वो बॉर्डर मतलब उलन बदर का खुला है, तो हम कंट्री साइड जा रहे हैं। और मतलब कि वन डे ट्रिप है, तो मैं आपको दिखाऊंगी जितना हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगी सारा जो वहाँ पर इतना इन्वायरमेंट इतना पीसफुल है, इतना शांति है, मतलब कि मन ही नहीं करता आपको यहाँ सिटी में आने का। और मैं आपको अपने साथ पूरा मतलब कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो पूरा मैं दिखाऊंगी आपको। तो आप देखना यहाँ पे कंट्री साइड कितना अच्छा होता है वो। तो चलिए देर ना करते हुए, तो चलिए मेरे साथ और घूमते हैं मंगोलिया। तो हम यहाँ आ गए हैं बाहर। ये उलन बतर से आई थिंक 50-60 किलोमीटर फार है। और यहाँ देखिए, यहाँ हम थोड़ा सा मतलब कि खाना वगैरह बना के लाई थी मैं घर से, तो बच्चे खाना वगैरह खाएंगे, छोटी सी पिकनिक है, गेट टुगेदर। और देखिए मंगोलियन हाउस है ये, इसका मैं नेक्स्ट टाइम आपको अंदर से दिखाऊंगी। और ये रिवर है, यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, पे पीछे भी यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं। और तो ये है यहाँ पर। और अब नेक्स्ट हम जो जाएंगे वहाँ पर वो भी मैं दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ही ऐसा होता है कंट्री साइड, कितनी शांति है। यहाँ पे पानी धीरे से जा रहा है, ओहो। तो यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए पिकनिक मनाने के लिए। पीछे देखो हर जगह आपको कार वगैरह नजर आएगी। तो सब अपना कोई घर पे अपने बना के लाता है खाने के लिए, कोई यहाँ पर गैस जो सिलेंडर वाली होती है वो ले आते हैं, तो यहाँ पर वो बारबेक्यू वगैरह करते हैं। तो हम घर से ही मैं बना के लाई थी। तो अभी हम जाएंगे हॉर्स राइडिंग के लिए, वो थोड़ी यहाँ से आगे है, तो वहाँ जाएंगे। मैं आपको ज़रूर वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। होंगे यहाँ पे इतना पीसफुल है ना कि बस आप मतलब कि सोच भी नहीं सकते। तो चलते हैं हॉर्स। ये देखिए पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पर। ये घर हमारे घर से काफ़ी दूर है, 50 से 60-70 किलोमीटर। ज़्यादातर लोग सैटरडे संडे यहाँ पर वीकेंड मनाने के लिए आते हैं। यू कैन सी दैट फार फ्रॉम दैट रॉक शेप, दिस इज कछुआ, कछुआ शेप दिस रॉक, सो इज़ वेरी फेमस हियर लाइक ए टूरिस्ट प्लेस। सो वी कम टू सी हियर एंड एवरी ईयर वी आर समर टाइम Most Saturday, Sunday we are came here and just enjoying the weather and the moment. So let's go, I will show you by. तो हम यहाँ आ गए हैं। ये है यहाँ पर मतलब कि कैम ऊँट की और हॉर्स की राइडिंग होती है यहाँ पर। तो मिशेल और अर्जुन ऊँट की उनको राइडिंग करनी है, और हॉर्स भी हैं, घोड़े भी हैं। और ये बहुत बड़ा, मैं तो अभी गाड़ी के अंदर ही बैठी हूँ, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा है। ये रहा वो जो मैंने मतलब कि कछुआ जिसके का रोक है, तो ये काफ़ी साल पुराना है। आप इसके से भी लगा लोगे, वहाँ पे भी लोग बैठे हैं, ऊपर भी ऊपर सारे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। तो यहाँ है ये जो बहुत अच्छी जगह है। तो लेट्स सी मिशेल अर्जुन क्या जो मंगोलियन कैमल। ये है मंगोलिया के ऊँट। अब अर्जुन मिशेल बैठेंगे। सो हम जा रहे हैं यहाँ पर, ये मोनेस्ट्री है, ये बहुत ऊपर है, काफ़ी दूर है यहाँ से। ये देखो पूरे पहाड़ के ऊपर है ये मोनेस्ट्री। हम जाएंगे यहाँ पर और करेंगे दर्शन भगवान जी के। कितनी कितनी ऊपर है ये, काफ़ी दूर है। तो कार से नहीं, थोड़ी दूर कार से जाएंगे फिर ऊपर। देखिए ये है मोनस्ट, ये है यहाँ पर मंगोलियन जो कंट्री साइड लोग जाते हैं ना।
शिव अर्जुन जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पे हवा बहुत तेज है, मट्टी उड़ रही है, और देखिए घर लोगों ने कहाँ कहाँ बनाए हुए हैं, कहाँ कहाँ वो पिकनिक कर रहे हैं, स्पेंड सैटरडे संडे अपना वीकेंड स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर ऐसे हाउसेज हैं। सो वी आर गोइंग दत्ताप मोनेस्ट्री देयर। You can see where go this monastery. Here is, wow, look at this. So, let's go. Huh? Yeah, I think Sanskriti, someone very up this mountain, right? In Sanskriti something, and it's very high mountain, you can see. Oh, right there. There are so many things on the mountain. People, nice picture drawing, and it's too up. You can see that the mountain heights, and then where we are stand up, there heights. He's near our Michelle. Hi. She say hi, guys. So people going. And this is very famous monastery, obviously, and we used to come here. So today is nice day outside, long time after lockdown. Let's have some pray here for India, for Mongolia, for all the world. Please save us from coronavirus and get well soon, everyone. That's why we came here today. So I will show you inside also. So we are here. Here stand up and you can see every mountain. Actually no one on the back side, so looks like we just going. This mountain in Sanskrit, someone write something, and if I'm not wrong, upward, where is it? Upward is Ma, I think, writing. So these different colors they write, but it's up one they have in Ma. We are putting that matra, so is I think they are writing ma downward. I don't know what they write in Sanskriti. So who can read the Sanskriti, please can comment, write me what they exactly they said. And we are, our goal is that monastery. It looks now very near, but can see. So my husband Michel Arjun is already more fast than me, so let's go. You can see here some they make rock painting here. This is Prachin Mandir, maybe monastery you can say. So this we finally, so this is inside that monastery. Here is Michelle. You can see this is the monastery, the middle one. I will show you. Here is very old temple, can see that is middle one. So Mongolian monastery aisi hoti hai yahan par, aur yahan pe all pick hai jo bahut bahut purani hai. So I will show you their pick, similar to Indian monastery. This is the middle one. So this is तो अंदर इतना पीसफुल था, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर -45-50 डिग्री होता है तो लोग कैसे रहते होंगे. बस अनबिलीवेबल है. और ये है जो इसको मतलब ऐसे घुमाते हैं, ऐसे इसको घुमाते हैं, तो इससे मतलब कि आपके कहते हैं कि पाप कम होते हैं जो भी है, तो ये यहाँ पे मान्यता है. तो ये जैसे हमारे इंडिया में मंदिर होता है वो ऐसे ही है ये, पर ये बुद्धिज़्म जिसे हम बोलते हैं मोनेस्ट्री वो है. ये काफ़ी ऊंचाई पे, आप इसकी हाइट देख सकते हो नीचे का पूरा, और लोग ऊपर अभी आ ही रहे हैं. ये पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है, और इसका जो पीछे का है ये भी देखिए पूरा ऊपर माउंटेन है. तो जैसे हमारा वैष्णो देवी है वो है, वैसे ही यहाँ पर है. तो चलते हैं हम और आगे. तो अभी हम जा रहे हैं
दूसरे मंदिर की तरफ, यहाँ पे हर जगह है। ये मोनेस्ट्री के चारों बहुत साइड है घुमाने वाला ये जो, तो यहाँ हम गेट से निकलते हैं। तो ये देखिए अब छोटा सा ये बना हुआ है ब्रिज जिसे हम बोल सकते हैं। ये देखिए है कितनी ऊंचाई पे, और तो यहाँ से हम चलते हैं। ये आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे है, और यहाँ पर जिस पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे कोई मतलब सेफ्टी का कुछ नहीं है। खैर लेकिन डरने वाले कोई बात नहीं है, इसके थोड़ी सी आगे ये जाली है तो गिरने का कुछ है नहीं। तो हम वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर छोटी सी मोनेस्ट्री है, ये देखियो बहुत छोटा सा कमरा है ये, उसी के ऊपर वो जो मोनेस्ट्री थी उसी के ऊपर है ये। यहाँ पे है ये बस भगवान एक ही है, उनके रूप अलग है। तो यहाँ पर छोटी सी मोनेस्ट्री क्यूट, तो लुक दिस वन लुक एट दैट हियर, और वो मिशेल जा रही है। ये देखिए सच अ वंडरफुल व्यू, जैसे कहते हैं ना पेंटिंग में हमने ड्रॉ किया, आप कोई पेंटिंग देख रहे हो ऐसा यहाँ पर है। पर अभी यहाँ पे समर टाइम आया नहीं है तो आपको ग्रीन नहीं दिखेगा, तो जब बिल्कुल समर टाइम आएगा तो मैं एक बार और यहाँ आऊँगी और आपको दिखाऊँगी। तो ये सारे जो पेड़ हैं बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे, घास वगैरह, तो हवा से भी आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा।